लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। ये सब कुछ चुनाव से, ये चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए इसका, देश सिविल वार की ओर चला जा रहा है। मोदी जी की सरकार में सिविल वार वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सबको, कोई चुनाव लेकर के नहीं। वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लो, मुजफ्फरनगर तफराना राम निर्भर करते रहना। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, बेकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ वो अयोध्या और वाराणसी, मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे कहने से हिंदू वोट मिलेगा। हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रहे हैं कि यूपी में इस बार 300 पार होगा। पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में, यही अभी सब बोले थे ना, पार कर रहे थे अभी, चले गए अपने। सर बिहार में भी लगता है कि एनडीए में सब कुछ कंफर्टेबल है? सर जाएंगे चुनाव, बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिहार पर थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है? अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा। लालू जी जाएंगे यूपी, जाएंगे चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप फिजिकली एक दो दिन? तबीयत ठीक नहीं ना हमारा, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा, कुछ भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है, नहीं से बोल रहा है, बिहार में एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? मैं अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। और छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जाते हैं। आप कोई संभावना, आप कोई संभावना देख रहे हैं कि राजद के साथ जेडीयू कोई सरकार बना सके? यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है? अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे। पहले सब क्या बोला, सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार? वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज। राष्ट्रीय कार्यकाल के बाद यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है? अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे। पहले सब क्या बोला, सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार? बिहार वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज। राष्ट्रीय कार्यकाल यही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है, तो इसमें आप लोग का मूल एजेंडा क्या है, इसके जरिए आप क्या देना चाहते हैं? राष्ट्रीय एजेंडा जो है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का, सब पार्टी के संविधान के अनुसार जो टेन्योर होता है अध्यक्ष का, उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। चुनाव बिल्कुल जनतांत्रिक तरीका से होता है, और जो कल एजेंडा तय होगा कि कौन कौन सा रेजोल्यूशन हमको लेना है, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, और उसके बाद से फरवरी महीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बिहार एनडीए कुछ नेता आपको आदर्श बता रहे हैं, बिहार एनडीए कुछ नेता कह रहे हैं कि लालू यादव हमारे आदर्श हैं? तो सब चले ही हैं, ये गुरु हो गया, ये सब गुरु हो गया। आप गुरु कह रहे हैं कि आप गुरु जी, आप गुरु हो गया है, सफाया होगा बीजेपी का, तो इसका असर फिर 24 में भी देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? यूपी में सफाया होगा बीजेपी का आप कह रहे हैं, तो इसका असर 24 में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सब 24 का तैयारी हो रहा है ना, सफाया होगा। सर एक ही बताइए कि अलग होकर क्या कोई थर्ड फ्रंट में चुनाव हो रहा है, क्योंकि गोवा में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो आरजेडी का किस किस, आप बोलते हैं कि बिहार में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है लेकिन केंद्र में आप उनके साथ हैं, सब जगह कांग्रेस लड़ रही है, यूपी में अखिलेश भी लड़ रहे हैं,
आरजेडी का हाथ किसके साथ? हम साथ में हैं यहाँ जो पार्टी प्रेस समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ जनता का सेंक्शन मिल रहा है उनको, उनके साथ हम। बाकी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित में जो कभी कोई बात की तो हम रहते हैं वहाँ। कह रहे हैं आगे भी चुनाव अकेले ही लड़े आरजेडी कांग्रेस पार्टी कह रही है